श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करता है, ध्यान लगाता है, उनकी स्मरण करता है, ईश्वर उसे अवश्य ही प्राप्त होते हैं एवं उन्हें इसका फल भी जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि आत्मा अमर है, उसे सुख और दुख का एहसास नहीं होता, बल्कि मन जो कि शरीर का हिस्सा है उसे यह एहसास रहता है। अगर आप किसी तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो अपने दुख ईश्वर से बांटने से आपका मन काफ़ी हल्का हो जाता है एवं आप अच्छा महसूस करते हैं। श्री कृष्ण जी के अनुसार जीवन मरण तो इस संसार का एक नियम है। ऐसे में हमें किसी के जन्म लेने या मरने से शौक नहीं मनाना चाहिए एवं उनके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है जो कि सुख और दुख का एहसास करा सकता है, परंतु यह काम आत्मा का नहीं है। एक व्यक्ति जब किसी अच्छी मार्ग पर चलता है तो उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहें, हमें ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं वे कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ पाएंगे और वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं हमें अगले जन्म में उसी रूप और भाव को प्राप्त करता है। अगर हम किसी चीज़ या धन के पीछे लालच करते हैं तो हम कभी शांति से नहीं रह पाते हैं। हमें अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारा कर्तव्य है उसे अवश्य ही करना चाहिए। जैसे हम अपने पुराने कपड़े बदलते हैं उसी तरह आत्मा भी एक शरीर से अलग होकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सृष्टि का नियम है। एक सच्चे योद्धा के लिए उसका सब कुछ उसका युद्ध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। आत्मा अमर है, ना वो तो मरती है और ना ही जन्म लेती है, वह केवल शरीर को अपने कर्मों के अनुसार बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। हमें कभी भी अपनी दौलत या अपनी शौहरत पर घमंड करके दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही किसी को नुकसान। हमें अपने आप को संयम बनाना चाहिए और साथ ही लालच से दूर रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने इंद्रियों को शांत और स्थिर रखता है वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके अंदर हम उसके लिए जो शोक मनाते हैं वो तो उसका भाग नहीं होता, फिर ऐसे में हम उनके लिए क्यों शोक मनाएं? एक सच्चा मनुष्य कभी किसी के मरने पर दुखी नहीं होता। आत्मा ना ही कभी मरती है और ना ही किसी को कभी मरने देती है। ऐसे में अगर कोई सोचता है तो वह मूर्ख है। बिना अपने फायदे के किसी की मदद करना या दान करना ही अच्छी सेवा कहलाती है। हमारे जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, ऐसे में हमें खुद ही उसका हल निकालना चाहिए एवं उसे निकलना चाहिए, क्योंकि उसकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए ईश्वर नहीं आ सकते। आपको अपना कार्य खुद ही करना पड़ता है।
इस जन्म मृत्यु के चक्र में निकलने का आत्मा का एक ही लक्षण होता है कि वह परमात्मा से जाकर मिल सके। जो कामयाबी को गले नहीं लगाना चाहता वो कभी तरक्की को गले नहीं लगा सकता। वो मन बना चुके थे हमसे दूर जाने का और हमें लगा उनको मनाने नहीं आता। जिंदगी के इम्तहान में अपने आप को उठाने के लिए कभी मत गिरो। हार और जीत में नहीं खुशी काम में होना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमेशा खुल कर जिए। बहुत शौक था मुझको सबको खुश रखने का, बाद में एहसास हुआ खुद की ज़रूरत के समय खुद को अकेला पाया। इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन कष्ट देने वाले को कभी नहीं भूल सकता है। किस्सा बना दिया है उन लोगों ने भी जो कल तक अपना हिस्सा बताया करते थे। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं पर सुना है ईमानदारी और सादगी से जिए तो अपने ही जीने नहीं देते। जिस व्यक्ति को आपके रिश्ते की कदर नहीं उसके साथ खड़े होने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह भी अभिमान नहीं स्वाभिमान है। ये जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मम्मी पापा उठाते हैं। आत्मा तो हमेशा से जानती है क्या सही है और क्या गलत है। चुनौतियां तो मन को समझने में है। धर्म का सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही सच्चा धर्म है। कत्र करना सीखो, कोई जिंदगी में बार बार नहीं आता। बता रहे हैं शाख से गिरे हुए पत्ते, साथ किसी का भी हमेशा नहीं रहता। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। आंख अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर अक्सर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। सितारों को देखने के लिए एक निश्चित अहंकार की जरूरत पड़ती है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जली मत कीजिए क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देरी नहीं करता। हर कोई खाली हाथ आया है, हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु ये सामान्य कारक करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे।